दोस्तों सब्सक्राइब करें कार रेडियो हिंदी चैनल को और साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस करें सबसे पहले वीडियो देखने के लिए। वेलकम बैक गाइस, मैं हूं आपका दोस्त करणवीर, बैक अनदर विद न्यू वीडियो एज अ प्रॉमिस। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि मैं पार्ट टू लेकर आऊँगा बहुत जल्दी, आज मैं आपको इंस्टॉलेशन बताऊँगा। सबसे पहले तो लास्ट वीडियो में आपने देखा कि वायरिंग कम्प्लीट करने के बाद आज मैं पार्ट टू आपके लिए लेकर आया हूँ। जैसे कि मींस आपने वायरिंग पीछे तक पहुँचा ली है या आपने वायरिंग यहाँ तक रख ली है, कोई बात नहीं, आप आगे रखना यहाँ रख लें, पीछे रखना पीछे रख लें। और ये जो वायर्स हैं ये सारी पीछे से वायर्स आ रही हैं ये दोस्तों, ये मैंने पीछे से वायर्स को निकाल के आगे लाया। तो ज़्यादातर मेरे दोस्त कहीं कन्फ्यूज मत हो जाएं देख कर कि यार इतनी सारी वायरें कैसे लगाएं। बहुत ईजी है, कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। जैसे कि मैंने ये बताया था आपको, रेड एंड ब्लू ये दो कलर में होगा, ठीक है दोस्तों। अगर ब्लू है तो आपको पता होनी चाहिए कि ये बैटरी प्लस है, ठीक है। देन इसके बाद ये ग्राउंड वायर है, मैंने पीछे से निकाली है। ये वायर थोड़ी छोटी रहती है इसलिए मैंने इसको जस्ट ऐसी पीछे से निकाल लिया, लगी हुई है वायर, लगी हुई है ये। और ये आ गई है स्पीकर वायर्स, ये स्पीकर की नॉर्मल वायर यूज़ करिए, इतनी ज़्यादा एडवांस नहीं है मेरी। ये आ गई है RCA केबल और ये आ गई है रिमोट वायर। तो ये अच्छे से छिली भी नहीं हुई है, इवन आपने बस जस्ट पावर ही देनी है ऑन ऑफ के लिए, तो काफ़ी इतनी वायर। 725 HP जो कि मैं हर एक बंदे को रिकमेंडेड करता हूँ, ये एम्पलीफायर लें, ज़बरदस्त चीज़ है। देखिए SB725 जो इस चीज़ में, इस एम्पलीफायर में बात है दोस्तों, वो कोई फोर चैनल एम्पलीफायर में किसी में नहीं है। तकरीबन इसकी मैं वेट की मैं बात करूँ, अगर मैं इसको उठाता हूँ तो उठाने में ही फील हो रहा है कि ये कम से कम 6 या 7-8 किलो का है आराम से, मुझे लग रहा है ज़्यादा ही है ये 6-7 किलो का है। तो चलिए इसका क्या रिव्यू करना आपको पता ही है, अब आप देख सकते हैं। हम एक्चुअली मैं फोकस करता हूँ कैमरा, तो 30 एम्पेयर के इसमें दो फ्यूज़ लगे हुए हैं मित्रों, 60 एम्पेयर, ठीक है। तो आगे गाड़ी का वायरिंग से लाएंगे, 60 एम्पेयर का फ्यूज़ होना चाहिए वरना फूक जाएगा। GND प्रोटेक्शन, रिमोट, रियर स्पीकर, लेफ्ट राइट चैनल 1-2, ये चीज़ बताने की ज़रूरत नहीं आपको पता ही है। अगर नहीं पता मुझे कमेंट करें तो मैं आपको बता दूंगा अच्छे से। ये आपको पता है चैनल 1-2 की, एक मिनट मैं परफेक्ट, यस अब फोकस हो चुका है। चैनल 1-2 का क्रॉसओवर ये रहा और ये लो इनपुट चैनल 1-2, चैनल 3-4 का ये रहा, सिंपल है। आपको पता ही है सुपर बेस कितनी रखनी है, 0 से 6 से 12 dB, ट्रेवल 0 से 6 12, LPF लो पास फिल्टर, हाई पास फिल्टर, ऑफ पे फ्लैट है, सिंपल है। ये कुछ सेटिंग्स है, ऊपर ये शीशा लगा हुआ है। सबसे पहले आपको एलकीज़ के साथ खोलना पड़ेगा, अगर नहीं है तो आप क्या करेंगे, 100 रुपये वाला पेज का सेट है, मैंने भी रखा हुआ है, कोई वो नहीं मैं कर रहा, ये देख पाऊँगा ये पूरा पेज का सेट, इसमें सारी बिट्स हैं, यहाँ से खोल के आप सेटिंग कर सकते हैं अपने हिसाब से, मैंने ऑलरेडी करके रखी है। वीडियो छोटी रखूँगा दोस्तों, ज़्यादा बड़ी नहीं, आपका टाइम नहीं खराब करूँगा, अब वीडियो कर करके प्रैक्टिस हो चुकी है काफ़ी, इस करके कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो सबसे पहले मैं वायरिंग की तरफ आऊँ, सबसे पहले आपने इस ग्राफ को समझना है कि क्या ग्राफ है, क्या सेक्शन है ये, किस चीज़ का सेक्शन है ये। बैटरी प्लस कहीं है, 2 चैनल में यहाँ भी होता है, ठीक है, और इसमें यहाँ है, कि ये कोई बड़ी बात नहीं, कईयों का बैटरी प्लस यहाँ भी है, कईयों का यहाँ भी है, यहाँ तो चलो है ही है, कॉमन है। अभी सबसे पहले मैं ये वायर लूँगा, बड़े वाली वायर, गाड़ी की बैटरी प्लस से आ रही है, इसको मैं बैटरी प्लस के साथ कनेक्ट करूँगा। मेरा पेचकस कहाँ गया, ये मेरा पेचकस, ये रहा दोस्तों पेचकस। अभी मैं इसको यहाँ से आपके सामने ये मैं खोल रहा हूँ, एक हाथ से कैमरा, एक हाथ से वायरिंग, हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, क्लिप है, गर्मी भी बहुत है, कोई बात नहीं, गर्मी है, लगने तो गर्मी कुछ नहीं होता, ठीक है। इतना करने के बाद अब आ गई है आपकी ग्राउंड, हम बाद में लगाएंगे क्योंकि वो छोटी वायर है। REM रिमोट, जो हमारे स्टीरियो की एंटीना वायर है, जिन दोस्तों का REM रिमोट वायर का नहीं पता कैसे लगाने, वो वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखी है, आप जाकर लिस्ट देखें, चेक करें, तो आपको पता चल जाएगा कि वो कैसे करनी है। उसके बाद दोस्तों जैसे कि अब लगाएंगे हम स्पीकर, जब स्पीकर की वायर लगाते हो इवन आपको या तो कलर में मिलेंगी रेड और ब्लू या कोई भी, या आपको ये देखिए, या फिर आपको 2 टाइप वायर मिलेगी, थोड़ा ये थोड़ा कॉपर में दिखेगी, ये थोड़ा सिल्वर में दिखेगी, आप यहाँ से भी अंदाजा लगा सकते हो कि मैंने कौन सी वायर कहाँ दी है। तो अब चैनल 3 और 4 पे लगाना है या 1 और 2 पे लगाना है, ये कहीं भी लगा लें कोई बड़ी बात नहीं, 1 और 2 पे लगाना लगा लें, 3 और 4 पे लगाना लगा लें, मैं फ़िलहाल
एक और दो पे लगा रहा हूँ, और मैं लगा रहा हूँ ब्रिज पे, ये मैं ऐसे लगाऊंगा ब्रिज पे, ऐसे नहीं लगाना सब ऊपर, ये मैं ऐसे लगाऊंगा। दोस्तों मित्रों को कोई दिक्कत आती है मुझे बेशक कमेंट करें, मैं बैठा हूँ आपका हर एक बात का, हर एक चीज़ का रिप्लाई मैंने अभी आज तक करा है। और कुछ लोग गालियाँ भी देते हैं, पता नहीं क्यों गालियाँ देते हैं, समझ नहीं आता, या उनको समझ नहीं आ रहा या उनका दिमाग कम है, क्या कह सकते हैं भाई। ये आज गालियाँ दे रहे हैं, कल को प्यार करेंगे, कोई चीज़ अच्छी लगी उन्हें या उनका कोई काम सर गया, कुछ ऐसे बंदे ही बहुत हैं। चलिए क्या मैं फालतू की बात करूं, आपके सामने सब ऊपर की वायरिंग होगी, ये चैनल वन फ्रंट स्पीकर, चैनल वन टू, और ये ठीक है, ये चैनल टू और चैनल वन और टू पे मैंने सब ऊपर, ये आपने ध्यान रखना मित्रों जहाँ पर लगा रहे हो ये आपको पता होना चाहिए भाई मैं कहाँ लगा रहा हूँ। ये नहीं कि आप यहाँ लगा के और इसे यहाँ लगा दोगे आर सी ए को, नहीं, ये चैनल वन टू पे ही लगेगा और वन टू पे ही चलेगा, ठीक है। वन टू पे लग गया, अब मैं रिवर्स पे आ रहा हूँ एम्पलीफायर के। सेटिंग्स दोस्तों आपने अपने हिसाब से करनी है, मैं आपको सेटिंग नहीं बता पाऊँगा, सेटिंग आपने सुन के करनी है, इवन मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर दूँगा। ये आर सी ए केबल आ चुकी है, देख लो, कलर से कलर वाइज लगा दें कोई दिक्कत नहीं, अगर ऊपर से नीचे हो जाए कोई बात नहीं। तो इधर सारे ब्लैक है, मैं चैनल वन पर लगा दूँगा, और मैं जैसे कि पता चैनल वन और टू हमारे चल रहे हैं। अगर बाई चांस आप कुछ और यूज़ कर रहे हो वैसे तो आप कनेक्टर भी यूज़ कर सकते हैं, मान लीजिए आपके पास ये सिंगल है तो आप यहाँ से कनेक्टर लगा के, मैं आपको दिखाता हूँ, ये मैंने कनेक्टर प्लग कर लिया, और ये ऑपोजिट लगा दें, एक यहाँ लगा दें और एक यहाँ लगा दें। अगर इसको आप ऐसे लगा दोगे ऐसे नहीं चलेगा, ये ऐसे लगेगा, दूसरा कनेक्टर ऑपोजिट लगेगा स्पीकर चलाने के लिए, अगर आपके पास एक ही आर सी ए आपकी स्टीरियो से आ रही है, जो छोटे स्टीरियो यूज़ करते हैं, ठीक है मित्रों, ये चीज़ क्लियर। अब सॉरी मैंने निकाल दी थी, अब मैं इसको लगा देता हूँ दोबारा, डन, चैनल वन टू पे आउटपुट दे दिया हमने, स्टीरियो से इनपुट निकली, इधर आउटपुट इसको दे दिया हमने, सॉरी गलत कह गया, स्टीरियो ने आउटपुट दी और मैंने इसको इनपुट दे दी, कंफ्यूज हो गए थे। चलिए कोई बात नहीं दोस्तों, माफ़ी चाहते हैं, हो जाता, बड़ी बात नहीं है, वीडियो बनाते बनाते। इतना करने के बाद अब इसकी सेटिंग्स, सबसे पहले इसकी सेटिंग समझें, चैनल वन टू पे, चैनल वन टू का ये आपने पढ़ना है, कई बार इधर भी होता है, वैसे इधर ही होता है। क्रॉस ओवर क्या चीज़ है दोस्तों, एल पी एफ, लो पास फिल्टर, लो पास फिल्टर पर आपका हमेशा सब बूफर चलेगा, अगर इसको हाई पास कर दोगे हाई पास में होएगा, एच पी एफ में हाई पास फिल्टर, इसमें क्या रहेगा, इसमें आपका वोकल्स आ जाएंगे साथ में, साउंड आ जाएगा, म्यूज़िक आ जाएगा, आवाज़ आ जाएगी सिंगर की। अगर आप इसको एल पी एफ पे करोगे तो इसमें सिर्फ लोस आएंगे, सिर्फ आपको एक गाने में लोस, प्रॉपर लोस की फील देगा, मतलब कोई आवाज़ नहीं सिंगर की, कोई मिड्स नहीं, सिर्फ लो पास देगा। और आप सेंटर कर दोगे ये फ्लैट हो जाएगा, ये स्पीकर्स में काम आ जाएगा, ये फ्लैट हो चुका है, इसमें हाई वोकल भी आएगा और लोज भी आएगा। और ये पहली बात तो सब ऊपर में ये सूट नहीं करेगा, एल पी एफ पे रखना है। बेस अपने हिसाब से दोस्तों, जैसे पता है कि मैं तो भाई अब फुल रख रहा हूँ, मुझे शौक है बेस का, तो ट्रैवल ट्रूबल देख लें यार, ये तो आपको इतनी डिटेल है, आपको ट्रैवल पता ही नहीं लगेगा कि बज भी रही है नहीं बज रही है, क्योंकि वो सब ऊपर आपका उधर चल रहा है ना लो पास पे, ठीक है। आप सपोज़ करिए चैनल थ्री और फोर पे चला रहे हैं तो सुपर बेस आप स्पीकर चला रहे हैं, सॉरी, सेंटर कर लें, ट्रैवल फुल कर लें, 12 dB अच्छा लगता है ट्रैवल, और इसको आप फ्लैट कर दें ताकि लो भी मिले हमें, अगर हाई पास कर दोगे तो फ्लैट वो बेस ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। इतना वीडियो क्लियर करने के बाद अब आ जाइए ऊपर, ज़्यादातर एम्पलीफायर में ही है, ज़्यादातर एम्पलीफायर में साइड में है। ये सबसे पहली बात आपको एलकी से खोलना पड़ेगा, तो इधर भी इन्होंने क्लियर मैंशन कर रखा है, देखिए चैनल वन टू का गेन इधर दे रखा है, और लो पास फिल्टर हाई पास फिल्टर आपने यहाँ से जो सेट करा है ठीक है, आप यहाँ से बड़ा कम कर सकते हो, ये फाइनल सेटिंग है, जब ये सारा कर लोगे, ये करने के बाद ये फाइनल सेटिंग है। चैनल थ्री एंड फोर का सेम स्पीकर चला रहे हो, गेन कितना रखना है वो ये सब आप कर लोगे, मैं अभी भी कह रहा हूँ ये अपने हिसाब से सेटिंग होगी, ये आप इसमें वो कुछ नहीं कर सकते, आपके हिसाब से सेटिंग होगी। अभी मैं क्या करूँगा, अभी मैंने एक ये वायर थोड़ी टाइट है, इसको मैं ऐसे ही रख कर एक बार दिखाता हूँ कि चिंगारी निकलती है नहीं निकलती, कमाल है चिंगारी निकली, चलिए कोई बात नहीं तो आगे तो चिंगारी निकलती है, पता नहीं बैटरी लगाने पे निकलती है, यस मैंने ये वायर लगा दी। अभी मैं कैमरा स्टैंड करके आपको दिखाता हूँ,
पावर दे के दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये है LED लगी हुई, आप देख सकते हो है ना, ये LED लगी हुई है। अभी मैं इसको पावर दे रहा हूँ जाकर चाबी से, देखते हैं कोशिश कैसी रहती है। नाकाम होते हैं चला पाते हैं, अब आपके सामने है। और ये मैंने चाबी घुमाई, स्टीरियो ऑन होगा। अब मैं पीछे आके देखता हूँ क्योंकि मुझे दिख नहीं रहा, मैं पीछे आके देखता हूँ। तो फाइनली दोस्तों LED लाइट आ चुकी है, ये देख पाएंगे आप। मैं थोड़ा ऐसे करके दिखाता हूँ, ये देखिए इसका मतलब बहुत अच्छी ग्लो कर रही है प्रॉपर। अगर ये कम हो या लो तो मीन्स आपकी वायरिंग अच्छी नहीं हुई गाड़ी की। तो वायरिंग आप चेक करें, आप समझ जाओगे। बहुत छोटी वीडियो बनाई है, तकरीबन 11-11.5 मिनट हो गए वीडियो को चलते हुए, पता नहीं मैं ज़्यादा कह गया हूँ। चलो कुछ भी आपके सामने है, बिल्कुल सिंपल टेक्निक के साथ मैंने दोस्तों आपको वायरिंग बताई है। इवन अगर मैं इसको पीछे डिगी पे रख के बनाता वीडियो तो बाहर की नॉइज़ बहुत आनी थी, तो सारे प्रॉपर शीशे बंद करके बैठ के मैं आपके लिए इधर मैंने वीडियो तैयार करी है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। बहुत सिंपल फंडा, बिल्कुल सिंपल फंडा मैंने यूज़ करा, कुछ भी नहीं एडवांस पे गया, सिंपल आपको बताया। तो दोस्तों मैं आता हूँ गाड़ी के आगे, थोड़ा बहुत AC ऑन करें, बहुत बुरा हाल हो गया, गर्मी काफ़ी है। तो फाइनली दोस्तों गाड़ी में मैं आ चुका हूँ, AC लगा लिया है, ठंडी हवा आ रही है, बहुत सुकून मिल रहा है। तो सबसे पहले उन तमाम दोस्तों का शुक्रिया जो वीडियोस को ऐसे ही लाइक करते हैं, कमेंट करके अपनी हाज़िरी देते हैं कि हम हाँ हम हैं आपके चैनल में एक्टिव हैं। बहुत अच्छा लगता है आप दोस्तों का प्यार है, ऐसे ही आपने दोस्तों प्यार बढ़ाते रहना। जैसे कि पता है कार ऑडियो हिंदी आपका चैनल है, सब्सक्राइब करना है, वीडियोस को शेयर करना है दोस्तों के साथ, कमेंट करना है, आगे बताना है भाई भाई का चैनल ऐसे ऐसे हैक हो गया था, तो आपने उन दोस्तों को वीडियोस भेज के आप चैनल ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना है। यही मैं आपसे कहता हूँ, और कोई मेरी आपसे कोई मेरी वो नहीं है, कोई मेरी डिमांड नहीं है कि भाई आप मुझे ये करके दीजिए, कोई डिमांड नहीं है मेरी, बस ये डिमांड है। आपने शेयर करना है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, आपने आगे पहुँचाना है, बताना है। आजकल YouTube में बहुत चैनल हैक हो रहे हैं, अब क्या कह सकते हैं उनके बारे में भाई, कुछ नहीं कह सकते क्योंकि मेरा भी हुआ है। EXE फाइल्स हैं जो ये सब, ये बाहर के बंदे टीम सारी हैकिंग कर रही हैं, इंडियन बंदा कोई नहीं है, इंडियन में होता है वो रिकवर हो जाता है। अगर दूसरी बात आप उस चीज़ की रिपोर्ट भी कर रहे हो तो कुछ नहीं फ़ायदा रिपोर्ट करने का, कुछ भी नहीं होगा। मैं आपको स्टाम्प पेपर पर लिख के दे देता हूँ, कुछ नहीं होगा, मैंने सब कुछ कर लिया। चलिए कोई बात नहीं, लंबा सफ़र है, चलते रहेंगे आपके साथ, वीडियोस बनाते रहेंगे, आपको बताते रहेंगे। ओके दोस्तों मैं लेता हूँ आपसे इजाज़त, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो आप मुझे करके बताएं आपको किस टॉपिक पे चाहिए। देखिए ट्रैक्टर का आप मेरे से वो कह रहे थे इंस्टॉलेशन के बारे में, अब देखिए दोस्तों अभी मेरा पंजाब साइड गेड़ा नहीं है, अगर मैं गया ज़रूर मैं आपको बताऊँगा, दिखाऊँगा, वीडियो बनाऊँगा। और दूसरी बात, मैं आने वाले टाइम में मैं एक ट्रैक्टर का एक डेमो सेटअप तैयार कर हम करेंगे और डेमो भी देंगे, जिसने लेना आके देखें, डेमो सुने, आराम से अपना तसल्ली करें, तो जो भी हुआ है हम देख लेंगे, वो जल्दी से जल्दी उसको तैयार करके एक डेमो आपके लिए बना के रखेंगे ताकि आप उसे आए देखें सुने साउंड का अंदाज़ा लें, हाँ भाई ये चीज़ लगवानी है नहीं लगवानी ट्रैक्टर के लिए। गाड़ियों में तो देखो चलता रहता है ना, गाड़ियों का तो आपको पता ही है, गाड़ियों के बाद कुछ हो रहा है, अच्छा अच्छा सिस्टम परफेक्ट। ठीक है दोस्तों मैं लेता हूँ आपसे ज़्यादा से, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी। ओके दोस्तों टेक केयर।